सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है तो मैंने यहां पे लिख दिया कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्या मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं? तो पीएनसी जो चैप्टर है उसके साथ एक छोटी सी थ्योरी या फिर स्टोरी इन्वॉल्व है मुझको लेकर जब हम कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। अगेन यस यू कैन से दिस इज कोटा स्टोरी, ठीक है। और ये स्टोरी किस बात का जवाब देती है आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये जो सवाल आप पूछते हो हर बार कि कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्या मैं यहां से शुरुआत करूं तो हो जाएगा क्या? तो बंसल क्लासेस में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर बंसल सर का ये फेवरेट चैप्टर था पीएनसी। तो वो क्या करते थे, वैसे जो टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर शफलिंग होती है, आप जो अच्छे बैचेस में प्रमोट होते हो वो रेगुलर टेस्ट के बेसिस पे होते हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों आती। केमिस्ट्री में अपना हाथ तंग था, उस वजह से कई कई बार केमिस्ट्री की सिर्फ वजह से रैंक पीछे चली जाती थी, या फिर जो मन चाहा बैच जिसमें आप प्रमोट होके जाना चाहते हो, जो आपकी रेंज में है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो जब हम 11th क्लास में थे तो एक टेस्ट अनाउंस हुआ और जिसके बेसिस पर शफलिंग होगी। शफलिंग मतलब आपका बैच प्रमोट करके आपको और टॉप के बैच में ले जाया जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था टॉप का मैच, जैसे जैसे आपको टॉप का बैच मिलता जाए समझिए कि आप IIT के नजदीक जाते जाए, समझ में। और जब वो टेस्ट अनाउंस हुआ तो वो टेस्ट जो है सिर्फ मैथमेटिक्स का था और सिर्फ उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना था। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, अब यहां से हम संभाल लेंगे, बिकॉज सिर्फ इसमें गणित आ रही है और वो भी ये वाला चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई नहीं आएगा और उसके बेसिस पर शफलिंग भी होगी। मैंने कहा बहुत सही, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट लग गया था, 2 हफ्ते पहले नोटिस लगता था, लग गया, और चैप्टर उस दौरान चल भी रहा था। टेस्ट होने से पहले चैप्टर खत्म हो गया, अच्छी भली तैयारी थी। गए टेस्ट में, उस टाइम पे बैच था, थोड़ा सा समझा दूं, P1 से लेके P10 ये टॉप वाली लेयर है, फिर था Q1 से लेके Q10, फिर था R1 से लेके R10, समझ पा रहे हो, P1 P2 P3 ऐसे करके 10 बैचेस ऑफ P, और S1 से लेके SA। इसके बाद भी बच्चे नहीं थे 11th क्लास में, तो ये 8 पर ही रुक गया। ये सबसे ऊपर वाली क्रीमी लेयर और उसमें भी सबसे टॉप वाला बैचेस P1, समझ गए हो बेचारा। फिर सर ये सेकंड, इसमें भी टॉप वाला बैचेस Q1। तो आप ऐसे मूव करते हो ऐसे, ठीक है। उस टाइम पे जब टेस्ट अनाउंस हुआ तो आई वॉज इन Q3। जब टेस्ट अनाउंस हुआ कि इस पे आपको शफलिंग मिलेगी और आप इस बैच में जाना चाहते हो, सबका अल्टीमेट एम यही रहता है सर, या तो इस रो में शामिल हो जाएं, बस P1 से लेके P10, मतलब जब आप बैच बोलो तो आपके नाम में जब आप बताने लगो किसी को तो P सुनाई दे, नंबर कौन सा उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ऑल दो फर्क पड़ता है क्योंकि ये वाले जो लोग हैं P1 P2 वाले, इनकी रैंक बड़ी जबरदस्त आती है, बट P1 से P10 तक अगर आप हो तो आपको एक आत्मसंतुष्टि की फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रहा हूं। तो Q3 में था, टेस्ट अनाउंस हुआ, मैं Q3 से डायरेक्टली आफ्टर द टेस्ट प्रमोट कर दिया गया था P6, ठीक है। वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज सिर्फ गणित का टेस्ट था, समझ में। अब यहां से मुझे फायदा क्या हुआ, जब मैं P6 में जाकर बैठा, Q3 से लेके P6, आप जान सकते हैं कितने बैचेस का सफल है। तो फायदा यह हुआ कि आसपास वाले जो लोग थे वो बड़े ही, मतलब एक तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। मैं तो P8 में चला जाता तब भी उतना ही खुश होता, P9 में चला जाता तब भी उतना ही खुश होता, बट सर अच्छे नंबर आए तो उस वजह से I got promoted to P6। अब उससे फायदा ये हुआ कि भैया जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो एनर्जी लेवल था, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसको आप बोलते हो, वो और बढ़ गया। मैंने कहा अगर P6 तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। Although I know कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बलबूते पर यहां पहुंचा हूं, IIT में जो रैंक आती है उसमें तीनों सब्जेक्ट काउंट होते हैं, बट तो ये जो शिफ्ट मुझे मिली क्लास 11th में बहुत हेल्पफुल थी, बहुत हेल्पफुल, ठीक है। और उसके बाद में सर इस शिफ्ट से फायदा क्या हुआ, बहुत अच्छे से और पढ़ाई करनी स्टार्ट की, और अच्छे से पढ़ाई करने स्टार्ट की। द अल्टीमेट टारगेट इज कि इस बैच में पहुंचा हूं मैथ्स की वजह से, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से ये बैच मुझसे छिन ना जाए, ठीक है। आगे चल के 2 टेस्ट और हुए, ठीक है, आगे चल के 2 टेस्ट और हुए और मैंने P6 मेंटेन करके रखा, और उन दोनों टेस्ट में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री भी आई, समझ पा रहे हो। तो वो जो एक होता ना कि आप जो चाहिए था आपको मिल गया, आप उसको मेंटेन करके रखो। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, यस कोई भी कहीं से किसी भी मोमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, आपको अच्छा लगा, आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट दिखा कि हाँ यार
पढ़ने से नंबर तो आते हैं, आप अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की एक्सटर्नल मोटिवेशन की, समझ पा रहे हो? तो एवरीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम एवरीवेयर, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आपके पास आएगा, जितना आप डिले करते जाओगे रिजल्ट भी उतना ही दूर जाता जाएगा, समझ पा रहे हो? तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं, बिल्कुल सर, क्या मैं यहां से शुरुआत करके IIT की बहुत अच्छी रैंक तक जा सकता हूं, हां जी, क्या सर मैं मेहनत कर जो भी हमारा ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकता हूं, यस, हु सेड नो, आप शुरुआत तो करो, समझ पा रहे हो? तो आपकी की गई मेहनत अगर आपको रिजल्ट के तौर पे दिखती है तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। प्लीज स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि कोई लाइव लेक्चर आज के बाद मिस नहीं करेंगे, जो पुराना हो गए हैं मिस उनको धीरे धीरे कवर करेंगे, बस इतनी सी थ्योरी है, इतनी सी स्टोरी है, इसमें अच्छे से खेल जाओ, बस फिर उसके आगे और कुछ कर देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, यस और नो? हाँ, अब आपकी चैट भी चलने लगी है, चैट में एकदम जोश आ गया है, बोले यस सर वी विल डू दिस, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि सर अब हम आया ना। हाँ, कारण कुछ भी हो सकता है यार, बैकलॉग का कोई कारण थोड़ी होता है, वो तो बिना कारण के राइज होने वाली चीज है, हमारा ऐसे ही मन नहीं किया, कल क्रिसमस की छुट्टी थी, बहुत सारे लोगों ने वो जो शीट अपलोड की है उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सारे नहीं सॉल्व किए, तो बैकलॉग जो है वो हमारे जनरल एटीट्यूड की वजह से भी डेवलप होता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों हुआ, उसको भुला कर एक नई शुरुआत करो, अपने आप का 2.0 लॉन्च करो, और फिर कभी पीछे मुड़ के मत देखिएगा। चलिए जी, दिस इज फॉर मोटिवेशन, अब स्टार्ट।